इस बच्चे को सभी लोग देखकर एक अगली और फैन बॉय समझते हैं, जो कि बहुत वीक है लेकिन वह एक सुपर पावरफुल आर्च सॉर्सर बनता है और किस तरह से वह एक ब्यूटीफुल मेड से मैरिज करता है। तो इस सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमको दिखाया जाता है एक नाइट का, जो कि एक गर्ल को हरेस कर रहा होता है और जो उसे मारने वाला होता है, लेकिन वह चिल्लाने लगती है और अचानक उस पर स्लैप मारती से देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है, बिकॉज उसके चेहरे की जो स्किन होती है वह निकल जाती है। वह कहने लगता है तो अभी वो उसको सेक्रीफाइस करने वाला, उसका पूरा चेहरा होता है बस केवल मांस ही दिख रहा होता है। वह उसको देखकर काफ़ी यदि शॉक्ड होती है। बंदा उसे जैसे मारने वाला होता है, वह गर्ल चिल्लाती हेल्प की, लेकिन पीछे से बंदा आकर उसको सर को पकड़कर उठा लेता है। तो नाइट कहता है आखिर वह कौन है, तो पीछे बंदा होता है, सॉर्सर होता है, और वह कहता है उसका नाम जैक है। आखिर वह सोने की ट्राई कर रहा था लेकिन तुम उसकी टेरिटरी में घुसकर आ गए, जिस वजह से उसकी नींद खराब हो गई है। वह बंदा सोचता है क्या ये जैक है जो कि सॉर्सर है सच में बहुत पावरफुल है, और वह कहने लगता है डरते हुए मुझे माफ़ कर दो, मैं सीरियस तुम्हारी टेरिटरी में गलती से आ गया था, तो मुझे जाने दोगे, तुम अपनी सारी जो भी सॉर्सरी स्किल्स मैंने सीखी हैं न्यू उनको भी मैं तुमको बता दूंगा। लेकिन इस बात में जैक काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा दिख रहा होता है, उसे उस तरह की ईविल टेक्निक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसके सर को क्रश कर देता है। लेकिन जिस वजह से वह ब्लडी ब्लड समय हो जाता है, वह गर्ल के ऊपर गिरता है, तो वह गर्ल भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जैक सोचता है आखिर ये क्या, वह गर्ल उसकी वजह से ही फेंटेड हुई है, क्या उसको उसे CPR देना चाहिए। लेकिन तभी वह देखता है ठीक है, और ये कहकर अपनी मैजिक यूज करता है, जिससे कि सब कुछ ब्लड वगैरह होता है वापस उस बंदे के सिर में चला जाता है और बंदा नॉर्मल हो जाता है, उसकी स्किन भी उसके चेहरे पर आ जाती है। फिर तभी देखता है उस गर्ल के गले में एक क्रॉस पड़ा होता है, यानी वह चर्च से होती है। वह उसको सोचने लगता है देखकर, यदि मैं एक सॉर्सरर हूँ और सॉर्सरर और चर्च की काफ़ी बड़ी दुश्मनी चलती रहती है, और मैं यदि लेकर जाऊँगा उसे चर्च में, तो लोग समझेंगे कि इसके साथ में जो भी कुछ गलत हुआ है वह मैंने ही किया है, इसलिए इसको टेलीपोर्ट कर देता हूँ उसके ही रूम में यानी चर्च में, जिससे कि उठे तो सोचे एक सपना था। टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने लगता है उसको उसके घर टेलीपोर्ट करने के लिए, लेकिन उस मैजिक को पूरा होने से पहले ही वहाँ पर कुछ रुकावट आने लगती है। तो वह सोचता है क्या आखिर ये क्या, बिकॉज पीछे से अचानक सर्कल आता है और जहाँ पर उसे पावरफुल एक सॉर्सर आ जाता है जिसका नाम बार्ब होता है। वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, तो उसको जैक बताता है कि वैसे यहाँ पर वह एक छोटे मोटे कीड़े को मारने के आया, जो तो बहुत थोड़ी परेशानी खड़ी कर रहा था, सुर मचा रहा था। वह कहने लगता हाँ बिल्कुल, हम जैसे सॉर्सर होते हैं उनके लिए आम लोग हैं बिल्कुल ही बेकार हैं, वीक लोग बिल्कुल बेकार हैं, हम लोगों का केवल एक ही मकसद होता है जो कि और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बनना। तभी उस गर्ल की तरफ देखता और कहता कि ये गर्ल कौन है, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही माना है इसके बॉडी में, क्यों ना हम इसको सेक्रीफाइस के तौर पर यूज करके और दोनों लोग पावरफुल और बन जाएं। तो जैक कहता नहीं, उसे खुद को पावरफुल बनाने के लिए किसी भी सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वह उसको वापस भेजने वाला है जहाँ से कि आई है, और ये कहकर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करने लगता है और उसको वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बार बोता है वो उसके पीछे जाते हुए बताता है क्या तुम्हें उस न्यूज के बारे में पता है, जो मतलब 13 जर्नल मतलब आर्ट्स सॉर्सरर्स हैं उनमें से एक जो 13वां आए 13वां वह मर चुका है, इसलिए उसकी पोजीशन भी खाली हो गई है और उसके लिए अभी ऑक्शन चल रहा है, जिसके बाद में वह कोई है जो कि सिलेक्ट किया जाएगा और 13 जनरल बनेगा और जो कि पूरे वर्ल्ड पर रूल करते हैं, मतलब सारे जो छोटे सॉर्सरर्स होते हैं उनको ऑर्डर्स देते हैं, भाई 13 जनरल्स मतलब सॉर्सरर्स होते हैं, इसीलिए उनकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसकी बात सुनकर काफ़ी इंटरेस्ट दिख रहा होता है, तो वह कहता है क्यों ना हमें जाना चाहिए उस ऑक्शन में, लेकिन जैक कहता तुम बस वहाँ पर जाकर मेरा पैसा यूज करके कुछ शॉपिंग करना चाहती हो और ऑक्शन से सौदा खरीदना चाहती हो ना। वह कहने लगता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वे वहाँ से जा रहे होते हैं सिटी में, जिस सिटी में कि ऑक्शन हो रहा होता है और जहाँ पर कि वह 13 जो सॉर्सर था वहाँ रहता था। इधर वहाँ बहुत सारे लोग आए होते हैं उसी ऑक्शन में जहाँ पर कि वह शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं आसपास में, और जहाँ कुछ स्लेब्स होते हैं जो कि बस इंतजार कर रहे होते हैं नेक्स्ट उनका मालिक कौन बनने वाला है। इधर वह सामने देखता है तो कुछ सोल्जर्स या नाइट्स होते हैं, तो उन्हें देखकर बार बताता है कुछ सॉर्सर्स हैं जो कि बहुत सारी गर्ल्स को किडनैप करके उन्हें सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहे हैं खुद को पार उड़ाने के लिए। तो वह सोचने लगता है जैक आखिर किस तरह से लोग हैं, किस तरह के सॉर्सर्स हैं जो कि खुद को पार उड़ाने के लिए चर्च के खिलाफ जा रहे हैं। सच में उन्होंने हद कर दिया, अगर ये सब करने की क्या जरूरत है। वे लोग वहाँ से ऑक्शन की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कि बार बताता है फिर काफ़ी सारी एंटीक और काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्वार्ड का ऑक्शन हो रहा होता है और बार जैक से कहता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल जो सॉर्सर हैं वे भी इस ऑक्शन में शामिल हुए हैं, उसी ऑक्शन के देखने के लिए लाइव जो होने वाला है उस 13 आर्ट सॉर्सर के लिए, और यहाँ पर जो 12 आर्ट सॉर्सर हैं उनमें से ही मिलकर एक और सॉर्सर को चूज किया जाएगा, यानी भाई लोग चूज करेंगे और जो कि यहाँ पर रूल करने वाला है 13 जन की जगह पर। ऑक्शन खत्म हो चुका होता है कि लास्ट ऑक्शन के लिए बचा होता है जो कि लास्ट भाई जो 13 जनरल्स होती है उनमें से उसकी एक स्लेब होती है और जो कि एक स्पाइट हेयर वाली एल्फ होती है, जिसे देखकर जैक होता है अचानक से उसकी खूबसूरती में ही ब्यूटी में खो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता आखिर ये कितनी ब्यूटीफुल है। इधर
ऑक्शन स्टार्ट होता है जिसकी बोली $10,000 से स्टार्ट होती है। किसी की बोलिंग स्टार्ट होने से पहले ही जैक कहता है वह $1 million देगा। बार्ब काफ़ी शॉक्ड होते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कीमत है, लेकिन वह उसकी बातों को जवाब नहीं देता। जैक जो सोच रहा होता है उसको कोई सोच भी नहीं सकता है, इसलिए बस उसको डेविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है और कहता तुम नहीं समझ पाओगे। इधर वह आ गया होता है ऑक्शन अरीना में और उसकी एक चेन देखता है गर्दन में बंधी हुई, तो पीछे जो एंकर बताता है ये चेन इसलिए है जिससे कि वहाँ से भागे नहीं, लेकिन उसके गले में जो कॉलर है उसको कोई भी अब तक नहीं खोल पाया ना किसी मैजिक ट्रिक से। इधर दिखाया जाता है जैक अपने मेंशन में वापस आ गया होता है और सोच रहा होता है आखिर वह उस मेड से मतलब एल्फ है उससे बात कैसे करे, किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज उसकी जो गर्ल से कम्युनिकेशन की स्किल बहुत ज़्यादा ही बुरी होती हैं। लेकिन अचानक से ही वह एल्फ होती है, खुद बात करती है, कहती है क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। वह उनकी मीठी आवाज़ सुनकर काफ़ी खुश और शॉक्ड भी होता है, लेकिन वह सोचता है क्या उसने पूछा कि क्वेश्चन पूछ सकती है। अचानक से शॉक होती हुई कहता आखिर क्या पूछना चाहती हो। वह अपने बारे में बताती है और कहती है उसका नाम नैन्सी है और वह कहती है कि आखिर मैं जानना चाहती हूँ मैं किस तरह से मरने वाली हूँ, यानी उसे पता होता है कि उसे सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर लाया हुआ है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है, कहता क्या आखिर ये उसका मतलब क्या है। वह कहने लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पर कैसे भी नहीं मरने वाली हो, चिंता मत करो। लेकिन वह कहती है ये आपको कहना सही है, मतलब झूठ बोलकर तसल्ली देना ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इतनी सारी टॉर्चर करने की चीज़ें हैं तो आप भरोसा कैसे कर सकती है। तो वह कहने लगता है मैं सच में मतलब सोचने लगता है कि आखिर ये चीज़ें उसने इस तरह से नहीं हटाई, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लेजी था उन सभी चीज़ों को हटाने के लिए। मैं कहती ये बस उसने डेकोरेशन के लिए यहाँ पर रखी है। मैं किसी भी ऐसे अननेसेसरी किसी को भी हार्म नहीं करता है, ना ही उसे किसी को टॉर्चर करने का शौक है। क्या उसकी कोई फैमिली है? तो वह कहती नहीं, वह एक ऑर्फन है और वह एक कर्स्ड चाइल्ड है, इससे ज़्यादा उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब चुप जाती है। कहती आखिर वह उसको मारना क्यों नहीं चाहता है। ये बस उनका जैक कहता है कि उसको अभी इसकी जब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वह कैसे बता सकता है अपनी फीलिंग को, उसे कन्फ्यूज भी कैसे कर सकता है, बिकॉज वह एक जैक जो कि एक सॉर्सरर है, एक कोल्ड सॉर्सरर मतलब कोल्ड पर्सनालिटी वाला सॉर्सरर। वह उसे कहती है अगर वह मरने के लिए अब मतलब मारने जा रहा है उसे, तो वह कहती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम मरने की बात है छोड़ दो। वह सोचता है कि सच में अब तक छोटे पैसे ट्रीट की गई है एक स्लेव के तौर पर, उसे जिसे बताया गया है या उसे पता चला है कि छोटे पैसे कोई ना कोई सॉर्सरर उसको सेक्रीफाइस करने के लिए खरीदेगा, और जिसकी लाइफ उसकी तरह ही सेम है जो कि हमेशा से वह भी इस तरह से ट्रीट होते हुआ आया है, उसकी लाइफ भी उसकी तरह ही सेम रही अब तक। इसलिए वह उसे कहता है चलो तो तुम्हें सोने के लिए कोई रूम दे देता हूँ जिससे कि तुम वहाँ रुक सको। तो वह कहती है सच में बाद में तो मुझे मारने वाली हो, मैं टॉर्चर करने वाली हो, लेकिन वो उसकी बातों को ही छोड़ देता और वह वहाँ से लेकर चला जाता उसको एक जगह जिसमें कि लाइटें वगैरह जलाता। वह कहता क्या तुम्हें हार्ट से डर तो नहीं लगता है? तो वह कहती हाँ तुम जहाँ पर भी चाहो उसको वह लटका सकता है। वह कहता आखिर तुम हमेशा टॉर्चर करने की बात भूल नहीं सकती हो क्या? वह ऊपर की तरफ से ले जा रहा होता है सीढ़ियों में, तो वह गिरने लगती है, लेकिन जैक उसको पकड़ लेता और वहाँ से खींच तो ले जाता है। वह एक दरवाज़ा खोलता है लेकिन अंदर देखकर शॉक रह जाता है, बिकॉज अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर गर्दन लोगों की काटी जाती है या उसे सेक्रीफाइस किया जाता है। वह तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता आखिर ये कैसे स्केरी रूम है? तो वह अपने सर को ऑफर करती है और कहती है वैसे जैसे चाहे उसे टॉर्चर करके मार सकता है, लेकिन वे एक ब्लास्ट करता है जिससे कि अंदर की सारी चीज़ें ब्लास्ट हो जाती हैं और अंदर रूम क्लीन हो चुका होता है, मतलब कुछ तो नहीं बचा होता है। वह अंदर आता है और इधर बालकनी के बाहर जाते हैं तो जहाँ पर कि नैन्सी देखती है कि एक मून की तरफ और कहती है कि वे सॉर्सरी यूज नहीं कर सकती जिससे कि वह मून को अपने पास ला सके। इससे उनके बीच थोड़ी फ्रेंडशिप बातें तो होने लगी होती हैं और वह कहता है कि यहाँ पर तुम रुक सकती हो। वह काफ़ी खुश होती है और लेकिन वह वहाँ नहीं सो सकती बहुत बेकार रूम होने की वजह से, इसीलिए जो थ्रोन होता है जैक का उसके पास में आकर वह सो जाती है। लेकिन जैक को काफ़ी ज़्यादा ही परेशानी हो रही होती है गर्ल के इतने करीब रहने की वजह से और वह पूरी रात नहीं सो पाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वह जागते हैं तो दोनों लोग ही खाना खा रहे होते हैं जो काफ़ी नॉर्मल खाना होता है। वो उसको देखती है और कहती है आखिर ये क्या, वह जो खाना खा रही है वही खाना वह भी खा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है और उस खाने को हमेशा ही स्लेव्स वगैरह को या फिर जानवर वगैरह को खिलाया जाता है, इसलिए वह भी शॉक्ड होता है उस खाने को देखकर और कहता है कि हाँ सच में वह हमेशा से छोटे पैसे इस खाने को खाता आया है और ये एक नॉर्मल है, उसको सच में अच्छा खाना कभी खाने को नहीं मिला है जब वह भी एक स्लेव के तौर पर ट्रीट किया है, स्लेव बनाया गया था सैक्रीफाइस करने के लिए, तब से वह बचकर भागा है और इसी खाने को खाता हुआ आया है। और वह सीन चेंज होता है और दिखाते जब लोग जा रहे होते हैं तो कुछ बैंडिट्स होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर यानी गरीब अटैक कर दिया होता है जहाँ पर वह उसकी स्वाड को या फिर एक्स को ऐसी पकड़ लेता हाथों से क्रश कर देता, उसे पंच मारने का धोखा देता है लेकिन एक फिंगर से उसको नॉकआउट कर देता है। सारे बैंडिट्स अब ढेर हो चुके होते हैं, सारे लोग कह रहे होते हैं आखिर ये क्या, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया था। लेकिन वह उस सॉर्सरर को देखकर इन जैक को देखकर काफ़ी घबरा रहे होते हैं, लेकिन वह उसके उन लोगों की मदद क्यों करेगा। तो वे कहते हैं ओ उसके साथ में एक क्यूट गर्ल भी है, शायद वो उसके लिए ये सब कर रहा है और ये सब उसने किया, सच में कितनी ज़्यादा क्यूट है, इतनी ज़्यादा स्केरी भी नहीं है। वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो नैन्सी पूछती है आखिर उसने उन लोगों की हेल्प क्यों की। तो वह कहता है मतलब एक स्टाइल मारते हुए कहने की ट्राई करता है लेकिन वह खुद की बेइज्जती करा लेता है। इधर दिखाया जाता है एक
जगह पर आई होती है मार्केट में कुछ नए कपड़े दिलाने के लिए, लेकिन जब चेंज करके आती है तो गुस्से में मतलब फेरी से कहता है, हे अभी के अभी उसको कुछ कपड़े पहनाओ वरना मैं अभी के अभी तुम्हारी पूरी शॉप को जला दूंगा। मैं कहती कि वैसे अच्छी नहीं है, दोबारा वापस ले जाती है और उसको मेड की ड्रेस पहना के लाती है जो कि सच में काफ़ी ब्यूटीफुल उस पर लग रही होती है। मैं कहती सच में ये तुम्हारे लिए सूटेबल है, ये सच में काफ़ी हाई लेवल थिल से बने हुए हैं। उसको खाना खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर कि वह खाना देखकर कहते उसने ऐसे खाने को कभी भी ट्रीट नहीं किया है, मतलब चेक भी नहीं किया है। तो सोचने लगता है उसकी लाइफ भी सेम उसी की तरह ही है, एनएनसी की लाइफ जैक की तरह ही है, इसीलिए वो उसको खाना ऑफर करता है। जैसे वह एक बाइट लेती है और वह काफ़ी अधिक खुश होती है, इसीलिए वो उसको थैंक्स कहने के लिए उसको अपने हाथों से खिलाती है। तो जैक भी सेम करता है, उसको सेम खिलाता है, जिस वजह से दोनों काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं और लवली डबली लग रहे होते हैं और लोग उनका हंस रहे होते हैं उन पर, लेकिन वे एम्बेरस होकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं आधा खाना खा कर ही। इधर दिखाया जाता है थ्रोन पर वह बैठा होता है, जैसी आंखें खोलकर देखता है उसके सामने नैन्सी खड़ी होती है और नैन्सी कहती है कि क्या तुम खाना खाना पसंद करोगे। तो वह कहता कि सच में तुमने खाना तैयार किया है। तो वह कहती है हाँ उसने ब्रेकफास्ट तैयार किया है। तो वह कहता सच में। वह उसके साथ में जाने लगता है और अपने आप को थोड़ा सा संभालते हुए और कूल डांस को संभालते हुए कहता है गुड मॉर्निंग। इधर वहाँ से निकल जाते हैं और वह जाकर शॉक्ड होकर रह जाता है डाइनिंग टेबल को देखकर जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एक फेरी टेल्स की तरह लग रही होती है, बिकॉज उसकी तो एक ग्रेवयार्ड की तरह बिल्कुल बेकार सी मतलब डाइनिंग टेबल थी। इधर बैठकर देखता है जहाँ पर कुछ खाना होता और कहता ये क्या, वह तो ब्रेड खरीद कर ही न लाया था। तो वह कहती है उसने जैक के लिए यानी मास्टर के लिए खुद ही फ्रेश खाना बनाया है। तो वह उससे पूछता क्या उसने खाना खा लिया। तो वह कहती नहीं उसने खाना नहीं खाया है और वह अपने लिए खाना बनाना भूल गई थी। तो वह कहता ठीक है तुम उसके साथ में उसकी मैसी आधा खाना खा सकती हो। लेकिन वहाँ पर एक ही चेयर होती है तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है और एम्बेरस होते हुए कहता है कि उसकी लेस पर बैठकर खा सकती है और बैठ भी जाती है लेस पर, लेकिन वह काफ़ी ब्लश कर रही होती है। तो जैक अपने हाथों से उसे खाना खिला रहा होता है, लेकिन थैंक्स होने के लिए वह भी उसको अपने हाथों से ही खाना खिला रही होती है, जिसलिए काफ़ी यदि ऑकवर्ड सिचुएशन उनके बीच में होती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है जब बैठकर लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रहा होता है एक बार में, जहाँ पर नैन्सी पहुँच जाती है और कहती है आखिर वह किस तरह की बुक्स को पढ़ता रहता है इस पूरे टाइम पर, मतलब पढ़ते रहते हैं। तो वह कहता है ये सब मैजिक में सॉसरी की बुक्स हैं, जिसे कि मैजिक वगैरह सर्कल जो तुम्हारे पीछे पड़ा उसको तुम एक बार देख सकती हो, ऐसी मैजिक सर्कल वगैरह ड्रॉ करने के लिए की जाती हैं जैसे मैजिक पावर क्रिएट करने के लिए, और तुम्हारी सॉसरी होती है एल्फ की सॉसरी तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग होती होगी ना। लेकिन नेफी बता दिया कि नहीं मैं सॉसरी मैजिक यूज करना नहीं जानती है। यह वह सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है क्या सच में तुम नहीं जानती हो। तो उसको स्पेल्स के बारे में बताना स्टार्ट करता है, सॉसरी स्पेल्स के बारे में, जिसमें कि एक स्पेल जिसके चार तरफ एक और स्पेल को यूज किया जाता है यानी कर सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, इसको कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन जो भी इसको कर लेता है वह सबसे काफ़ी बड़ा सॉसर माना जाता है, बिकॉज उससे वह एक स्पेल से दूसरी स्पेल को कैंसिल कर सकता है, जिससे कि वह एक मोस्ट पावरफुल सोर्सर को तौर पर माना जा सकता है। लेकिन ये करना आसान भी नहीं है और कोई भी इसमें इतने जल्दी मतलब अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। वो उसको कुछ दिखा रहा होता है सर्कल्स के बारे में, यानी जो सोर्सरी को सर्कल्स होते हैं। वह काफ़ी अधिक खुश होती है सब सुनकर और वह पूछती आखिर इतना पावरफुल बनने के बाद क्या करेगा, यानी और पावरफुल बनने के बाद। तो वह कहता है सोचते हुए कि शायद कुछ नहीं, वह बस अपने आप को ट्राई कर रहा है खुद को प्रोटेक्ट करने की और जीने की ट्राई कर रहा है। वह बताता पास्ट के बारे में, वह जब बच्चा था तब से ही वह एक ऑर्फेन है और हमेशा ही लोगों के फूड को चुरा कर ही अब तक जीते आया है। लेकिन एक सॉर्सरर ने यानी आर्ट सॉर्सरर ने उसको किडनैप कर लिया और उसको एक डंजन में कैद कर दिया, उसे सेक्रीफाइस कर सके। लेकिन अचानक से उसने टेबल को पलट दिया और या फिर कह सकते हैं चाल बदल दी और उस सॉर्सरर को उसने मार दिया। नेफी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वह कहती वह उसकी तरह कभी नहीं बन पाएगी। उसे काम कराने की ट्राई करता है लेकिन उसे कुछ महसूस होता है और था कुछ घुसपैठी आए हैं, तुम जाकर डिनर तैयार करो, मैं उनके साथ जाकर थोड़ा बात करता हूँ, यहाँ से दफा करता हूँ। इधर दिखाया जाता है कुछ लोग आए होते हैं जो कि चर्च से आए होते हैं, जिसमें एक पैलेडिन होती है, इसके पास एक सीक्रेट स्वॉर्ड होती है जिससे कि उस बैरियर को कट कर देती है। अचानक से ही वहाँ पर आ जाता है जैकिन भी और वह कहता है आखिर ये क्या, चर्च के कुछ यहाँ पर कीड़े मकोड़े आए। जिसकी बात सुनकर एक नाइट ऑफेंड होता है तो उसको पैलेडिन होती है रोकती है, लेकिन जैकिन उसको देखकर काफ़ी फेमिलियर फील कर रहा होता है। लेकिन उसके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है जो कि 12 मोस्ट पावरफुल होली स्वार्ड्स में से होती है, जिसको चर्च की पावर मिली होती हैं। लेकिन वो उसको सोचता है ये तो पास्ट वाली यानी उसी दिन वाली वह गर्ल है जिसको उसने बचाया था, यदि उसे पता होता तो शायद उसे मर नहीं दिया होता, उसे नहीं प्रोटेक्ट करता यदि वह पहला डिनर इसे उसके बारे में पता होता। वह कहने लगता कि तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ मेरी टेरिटरी से, और एक अटैक करता है एक नॉर्मल सी बेसिक स्किल। लेकिन एक बंदा आकर तुरंत ही उसे डॉच कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है पैलेडिन पर अटैक होने से पहले ही। ये जैकिन की एक बेसिक स्किल होती है, लेकिन फिर भी जैकिन काफ़ी इंप्रेस्ड होता है उसकी स्किल ब्लॉक करने के लिए। वह बंदा कह रहा होता अटैक करने के लिए, लेकिन जैकिन कहता है उससे ये सच में कितने ज़्यादा वीक लोग हो तुम, यहाँ से अभी के अभी उसकी टेरिटरी से दफा हो जाना चाहिए। लेकिन वह उस पर अटैक करने जाने लगता है अपने जोश जोश में, लेकिन वह पंच तैयार करता है और अटैक कर देता है, जिससे उसके आर्मर
हैमर को क्रश करते हुए वह दूर जाकर गिरता है और वह कहता है तुम सारे लोग ही बीक किरमकुड़ के अलावा कुछ भी नहीं हो। एक दूसरा ब्लॉन्ड हेयर वाला बंदा टैकल के जाता है तो केवल दो उंगलियों से उसकी स्वाड के दो टुकड़े कर देता है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है तो एक फिंगर से उसको नॉकआउट करते हुए उसके अपने पैर से दबाते हुए उसके सिर को कहता है यदि तुम भाई की भी अपनी स्वाड नहीं रखोगी तो मैं इसको यहीं पर क्रश कर दूंगा। वैसे ही बेचारा मारा जाएगा। जो पैलाडिन होती है अपनी स्वाड को वहीं पर रख देती है और वह कहती है आखिर वो उनको टॉर्चर क्यों कर रहा है उनको मारने के बजाय। तो जैकिन कहता है वह बस उनको टॉर्चर इसलिए कर रहा है कि मार दूंगा तो और भी नाइट्स वगैरह भेजता रहेगा चर्च पैलाडिन भेजता रहेगा लेकिन मैं उसको डरा कर भगा दूंगा पीट कर तो वे लोग मेरे बारे में और कहानियाँ सुनाएंगे लोगों को उनके अंदर डर बैठेगा। पैलाडिन कहती है वह बस ब्लफ कर रहा है इसलिए वह अटैक करने लगती है लेकिन वह अपने मैजिक सर्कल से उसके अटैक को ब्लॉक करता है लेकिन फिर उस स्वाट की वजह से मैजिक सर्कल वहीं पर क्रश हो जाता है जिससे वह काफ़ी यदि पीछे को हटना पड़ता है। दोबारा से वह अटैक करने जाने लगती है तो हर अटैक से वह डॉज कर रहा होता है। हर अटैक से डॉज करते हुए कह रहा होता है कि वह वुमन से फाइट करने नहीं चाहता खासतौर से वह नैन्फी की तरह दिखती है या फिर उसकी याद दिलाती है इसीलिए वह उससे कह रहा होता है वह सच में इस तरह से सॉर्सर को ख़त्म करते रहते हैं तो पैलाडिन्स उन्हें पता भी नहीं आखिर सॉर्सर हैं मैं गलत या नहीं बस उनका केवल एक ही मकसद है कि उन लोगों को मारना कितनी ज़्यादा हाइपोक्रेसी है और वह ये भी नहीं जानता कि आखिर जानती है कि हर सॉर्सर कुछ काइंड भी होते हैं या फिर नहीं क्या गलती है या नहीं। इस वजह से वह काफ़ी गुस्से में अगर अटैक करने लगती है तो उसकी स्वाड को अपने पैर से दबा लेता है लेकिन फिर भी उसको फ्री कराने में कामयाब रहकर अटैक कर देती है लेकिन अपने मैजिक सर्कल से रोक को अपने हाथ से उसकी स्वाड को पकड़ लेता है तो वह दोबारा से उसको और पावर से पीछे तरफ फेंक देती है लेकिन उसके हाथ इंजर्ड हो गई होती है उस स्वाड से। दोबारा जब अटैक करती है तो उससे वह स्वाड को रोक लेता है और वह कहती है उसे कि अभी के अभी उसको मरने की एक्टिंग करे कि उसने उसको मार दिया जिसके बाद और भी लोग वरना चर्च से आते रहेंगे मुझसे भी पावरफुल तुम्हें मारने के लिए। वह कहता है आखिर वे एक पैलेटन पर भरोसा क्यों करे तो वह कहती है वह ऐसे बंदे को नहीं मारना चाहती जिसने कि उसकी लाइफ को बचाई थी और इतना अच्छा भी है मतलब काइंड भी है तो इसीलिए वह उसको मारना क्यों चाहेगी। वह उसकी बात पर भरोसा करने लगता है लेकिन सोचता है कि जब पता चलेगा चर्च को इसके बारे में तो उसको टॉर्चर करके मार दिया जाएगा लेकिन तभी वहाँ पर नैन्फी आती है और उसको देखकर वह बंदा होता है दूसरा वह अटैक कर देता है स्पीयर से और लेकिन तभी स्पीड से जाकर जो जैक्सन होता है वो उसको रोक लेता है और अपने मतलब नैन्फी को बचा लेता है लेकिन तभी अचानक से उसको फील होता है एक बहुत बड़ा प्रेशर जिखा जाता है। नैन्फी होती है एकदम खड़ी हो जाती है और गुस्से में होती है अपने आउट ऑफ कंट्रोल और कहती है आखिर उसने उसके मास्टर को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसी की। ये कहकर वह अपनी कुछ प्लांट्स की बाइन से अटैक करनी स्टार्ट करती है जो कि जड़ें होती हैं प्लांट्स की और उन नाइट्स को पकड़ने लगती हैं लेकिन तभी अचानक से आकर जैकिन उसको रोक लेता है जिसके बाद होश में आती है तो शौक होती है कि आखिर उसने उन सभी नाइट्स को लगभग मार ही दिया था। पैलाडिन होती है काफ़ी डर जाती है उसकी इतनी हॉरीफाइंग पावर को देखकर लगभग जो नाइट्स होते हैं मर ही चुके होते हैं। इधर भी लोग वहाँ से चले जाते हैं फिर कैसे वापस आ जाते हैं तो वह उसके हाथ को ट्रीट कर रही होती है नैन्फी और सोच रहा होता है कि पैलाडिन ने उससे माफ़ी मांगी थी इस तरह से फाइट के दौरान उसने उसकी घर ले या फिर कह सकते हैं आम व्यक्ति को इंजर्ड करने की ट्राई की वो माफ़ी मांगती है उसको उसकी नाइट ने इस गलती की होती है। तो जैकिन पूछता है आखिर तुमने तो कहा तुम कोई मैजिक यूज करना नहीं जानती हो तो नैन्फी बताती है कि हाँ वह मैजिक नहीं है वह एक मिस्टिटिज्म है जो कि वह यूज कर सकती है। वह सोचने लगता है इसके बारे में उसने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा है लेकिन ये तो एक मिथ की तरह सुना था उसने तो वह कहने लगती है हाँ एक लौती बह ही है जो कि यूज कर सकती है बिकॉज वह एक कर्स्ड गर्ल है उसके ऊपर एक कर्स है जिसकी वजह से वह ये सब यूज कर सकते वह एक लौती एल्फ थी इसके व्हाइट हेयर थे और वह जानवरों से और पेड़ों से बात कर सकती थी इसीलिए उसको कैद कर दिया गया एक फ्रीक के तौर पर। और जिसके बाद जब अटैक हुआ था विलेज पर तो उन्होंने कहा कि अपनी पावर यूज करके फ्रीक पावर से उस विलेज को प्रोटेक्ट करे लेकिन उसको सरेंडर कर दिया और सारे विलेजर्स को मरने दिया। ये सच में उसका बदला था और वह उन सभी को मरने देना चाहती थी। इस तरह से वह काफ़ी स्माइल कर रही होती है उनको मरते हुए देखकर लेकिन वह रोती होती अचानक से कहने लगती है आखिर वह कितनी ज़्यादा बुरी है कि उस तरह से उसकी एक सोच है। लेकिन उसकी बात सुनकर जैकिन कहता है नहीं तुमने काफ़ी अच्छा किया मैं तुम्हारे बजाय होता तो उन सभी विलेजर्स को मैं खुद अपने हाथों से भी मारता। वह काफ़ी शॉक्ड होती है कि आखिर वह उसका साथ दे रहा है ना कि उसको उसके पहले से निकालने के बजाय। तो वह कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कर्ज कर लो या फिर कोई भी हो वह उसका हमेशा ही साथ देने वाला अपने साथ में उसको रखने वाला है। वह काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है आखिर कोई है जिसने कि एक कष्ट गर्ल है उसको अपने साथ में रखा है और ये कहा है कि उसको उसकी ज़रूरत भी है। जैकिन कहता है कि वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा उसके फूट के बिना भी नहीं रह सकता है इसीलिए हमेशा उसके साथ रहने वाला है। वह काफ़ी अधिक खुश होती है और इमोशनल होकर रोने लगती है। कुछ टाइम तक वह उसको शांत कराने लगता है जब वह शांत हो जाती है दोनों एक दूसरे का अपोजिट बैठ कर बात करने लगते हैं। वह काफ़ी एम्बेरस होती है कि इस तरह से अपने मास्टर के सामने वह रो रही थी और वह नैफी से कहता है कि वह सच में काफ़ी अधिक खुश है उसने नैफी को इतना ज़्यादा कभी बात करते हुए नहीं सुना है लेकिन जब उससे बात की तो सच में उसे काफ़ी अच्छा लगा। तो वह कहने लगी तुम्हारे हाथ में चोट लगी वह सच में हर्ट करती होगी ना उसकी वजह से ये सब हुआ है। तो वह कहने लगता नहीं इतनी ज़्यादा भी हर्ट नहीं कर रही है यहाँ तक कहें तो बिल्कुल हर्ट नहीं कर रही है। जब चेक करता है खोलकर बैंडेज
तो सच में शॉक होता है, पूरी तरह से हील हो चुके होते हैं। वह कहता है थैंक्स जो तुमने इस तरह से हील किया, अगर तुमने क्या लगाया था इस पर? तो वह कहते उसे नहीं पता। मैं सोचने लगता कि ये हील कैसे हो गए, तो उसे थैंक्स कहता है कि शायद उसकी जो ओवर पावर पावर्स हैं इसलिए उसने मतलब ओवर पावर माना कि जैसे बिना किसी जाने हील कर दिया। मैं काफ़ी शॉक्ड होती हूँ उसकी थैंक्स को सुनकर। मैं कहता आखिर क्या हुआ, तो बताती है उसे कभी भी किसी ने थैंक्स नहीं कहा है, इसलिए वह शॉक्ड होती है। मैं सोचने लगता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है, वह खाना खाता है उसके बना हुआ, कितनी केयर करती है, उसकी सब देखभाल करती है, लेकिन उसने एक बार उसे थैंक्स भी नहीं कहा। लेकिन मैं काफ़ी खुश होती उसके साथ रहकर। इधर शाम के यानी रात हो गई होती है और अपने थ्रोन पर बैठा होता है तो देखता है नेफ्यू उसके पास एक पिलर के पीछे छुपी होती है। तो वह उससे पूछता है तो वह कहती है कि उसके साथ में सोना चाहेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा इंबेरस होती हूँ, कहता कि आखिर उसका मतलब क्या है, मैं गर्ल जो कि उसके साथ स्लीप करना क्यों चाहती है। तो पूछता कि उसका मतलब क्या है, साफ बताए। तो वह कहने लगती है इस पूरे पैसल में मतलब पैलेस में केवल एक ही बेड है जो कि तुमने उसे मतलब मुझे दे दिया है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी अनकंफर्टेबल होकर इस थ्रोन पर ही सोती हो, हम लोग साथ में सो सकते हैं जिससे कि तुम भी कंफर्टेबल हो सकते हो। तो वह कहने लगता है कि सच में कितनी ज़्यादा प्योर गर्ल है, और वह कहता है कि नहीं वहीं पर उसे रुकना पड़ेगा और वह जागता रहेगा जिससे कि आसपास की बैरियर्स मेंटेन रहें और कोई भी उसको ऑफ गार्ड देखकर अटैक ना कर दे। वह उसकी बात को समझती है और कहती है ओह ठीक है। वह समझ गई कर वहीं बैठ जाती है और कहती है कि वह उसके लैपलो पर आकर सो सकता है या फिर मतलब उसे कंफर्टेबल होगा उस थ्रोन से। तो वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है क्या आखिर वह उसको लैप लो ऑफर कर रही है, वैसे इसमें कोई ईडीटी होगा जो इसको रिजेक्ट कर देगा। वह जाकर वहीं लेट जाता है और उसे पूछता आखिर वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती है। तो वह कहने लगती है कि वह पहला बंदा जिसने उसे थैंक्स कहा, और या फिर कहें तो उसकी इतना केयर करती है, वो उसके ऊपर एक कर्ज है लेकिन फिर भी उसने उसको अपना लिया है और यहाँ पर रखने को तैयार है, ऐसा कोई भी उसके साथ नहीं किया, उसको इतने अच्छी से किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था, इसलिए वह काफ़ी खुश है। वह कहता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, वह चाहता है कि वह थोड़ा बहुत और मैजिक सीख सके, जिसके बाद जो पावर उसने यूज की थी कल वह काफ़ी ज़्यादा ही ओवर पावर थी, उसको खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब वह छोटी मोटी सॉर्सरी मैजिक सीख लेगी तो उन पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। तो वह काफ़ी खुश होती है और कहती है बेसिक सॉर्सरी मैजिक यूज़ करने के बाद वह अपनी पावर को ठीक से कंट्रोल करके वह उसको और भी यानी मास्टर को और प्रोटेक्ट करेगी। तो वह कहता है कि उसने पहले ही उसको एक बार प्रोटेक्ट किया था आज उन सभी चर्च की नाइट से। वह काफ़ी ज़्यादा खुश है इसके लिए भी, और तभी वो उसको हक कर लेती है जिसकी वजह से जो जैकिन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट रह गया होता है और उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और वह भी मोस्ट पावरफुल डीमन लॉर्ड्स में से होता है फिर भी एक सॉर्सर होने के बाद भी, बिकॉज ऐसा किसी ने उसको ट्रीट नहीं किया होता है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जब टी पी रहा होता है तब वहाँ पर आ जाता है बार्ब, और उसे बार्ब कहता है कि उसने सुना कि कल तुम्हारे पैलेस पर उस कुछ मतलब पैलेट ने अटैक कर दिया था, चर्च के कुछ नाइट्स ने अटैक कर दिया था। तो वह कहता हाँ वे सब बहुत ज़्यादा वीक थे। तो वह कहता लेकिन वे पैराडिन को भी तुमने इंजर्ड कर दिया और भजा दिया। तो वह कहने लगता हाँ वो थोड़ी पावरफुल थी लेकिन फिर भी वह उसने मेरी काफ़ी बैरियर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन तभी वहाँ पर आती है नेफ्यू और उसको एक टी ऑफर करती है, लेकिन उसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और टी को एक बार फेंक देता है। वह कहने लगता आखिर ये गर्ल यहाँ पर क्या कर रही, तुमने उसको अब तक सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो जैकिन कहता नहीं वह कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं है, बल्कि उसने उसको एक अप्रेंटिस के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। मैं कहता चलिए काफ़ी अच्छा, एक एल्फ अब तुम्हारा साथ दे रही है और सच में तुम अपने मैन होने की सारी मैजिक पावर्स उनको यूज कर रहे हो, सच में तुम काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो उसके लिए। मैं सोचने लगता है और कहता है कि भैया कोई ऑब्जेक्ट नहीं जिसको भी यूज कर सके, और बल्कि मैं कहूँ तो वही है जिसने कि उन सारी नाइट्स को उनको डरा कर भगाया था। तो बार्फ कहता ओ तभी तो मैंने बाहर देखा था इतनी सारी रूट्स को, लगता है ये उसने किया है। ठीक है, बस सच में काफ़ी पावरफुल है और अभी वो तुम्हारा साथ भी दे रही है। वह कहता है क्या तुम आर्ट सक्सेस के लिए कम्पीट कर रहे हो? तो वह कहता है मतलब सोचने लगता है उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक की ज़रूरत है जिससे कि वह नैनफी को आज़ाद करा सके। वह कहता नहीं वैसे भी वह इतने ज़्यादा वीक है, या फिर कह सकते हैं 10 साल पहले से ही ये सब सॉर्सरी के बारे में रिसर्च करती हूँ आया है और सीख रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि सैकड़ों ईयर से इस सब के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और सीखती हुए आए जो कि मुझसे पावरफुल है। मैं कहता ठीक है और कहकर बाय करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसे जाते बाद नैनफी पूछती है क्या वो उसका फ्रेंड है? तो वह कहता नहीं उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो नैनफी कहती है लेकिन वो उसके साथ में काफ़ी यदि एंजॉय कर रहा था फाइट करते टाइम मतलब बात करते टाइम। इधर बाहर लेकर आता है और उसको कुछ बेसिक मैजिक सिखा रहा होता है जिससे कि वह उस बैरियर को मतलब दोबारा से क्रिएट करे और अपनी प्रैक्टिस भी कर ले। इधर वो कुछ और सोर्सी मैजिक सिखा रहा होता है, अपने काम भी डेली के कर रही होती है और इस तरह से वे लोग खाना भी खा रहे होते हैं, यानी इस तरह से उनका डेली का जो दिन होते हैं बीत रहे होते हैं, उसकी जो प्रैक्टिस होती है बैरियर्स को क्रिएट करने में डेली जा रही होती है। और जैकिन कहता है कि तुम्हारी जो मैजिक पावर्स हैं सच में बेसिक मैजिक पावर मतलब बेसिक सोर्सरी के साथ में काफ़ी यदि अच्छी होती जा रही हैं। इस तरह से कुछ मंथ बीत जाते हैं और साथ में भी रह रहे होते हैं। एक दिन अचानक से टू हेडेड एक बर्ड आ रही होती है जिसको अपनी मैजिक से वहीं रोक देता है, लेकिन वह एक छोटा सा लेटर लेकर आई होती है जो उसे डिलीवर करके वहाँ से तुरंत ही रफा दफा हो जाती है। इधर वो उस लेटर को देखता है जिसमें एक इनविटेशन होता है जो कि 12 आर्च डीमंस बची होती है, उन्होंने उसे इनवाइट किया होता है
और वह भी वहाँ से निकल जाता है उनके इंडिकेशन को लेकर एक अंडरग्राउंड जगह पर आया होता है, उसकी बड़ा सा गेट को खोलकर अंदर आता है जहाँ पर हर प्रकार के सोर्सर्स और डीमंस खड़े होते हैं जिनको देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है। और उनमें से एक जो डीमन होता है आर्च डीमन वह उसे कहता है, लेकिन उसकी वजह पावर का प्रेशर वह सेक पा रहा होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही होता है। वह खुद को संभालता है और वह बंदा कहता है कि तुम हो भाई जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा बीकी हो। वह सोचने लगता आखिर ये लोग हैं, तो वह कहता आखिर एक छोटी सी झूठी स्माइल देते हुए कि तुम लोगों ने आकर यहाँ पर उसको टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया या फिर सच में कोई काम भी है। उसकी इस तरह से हिम्मत की बात देखकर एक आर्च डीमन कहता है, सच में मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तुम इसी जगह पर खड़े होकर भी इस तरह से बात करने की हिम्मत कर रहे हो। वे कहते हैं हमने तुमको चूज किया है 13 आर्च डीमन के पोजिशन के तौर पर। और ये कहकर उसकी जो सील होती है 13 आर्च डीमन की उसको समन करने लगता है और कहता है ये जो सील है वह तुमको डिलीवर कर दी जाएगी यदि तुम इसको एक्सेप्ट करते हो तो, और जिसके बाद में उसकी पावर्स और प्रेस्टीजियस तुम्हें सारी ही दे दी जाएंगे जिसके बाद तुम ही 13 आर्च डीमन होगे। वह उसको देखते हुए कहता है सच में इसकी जो पावर है काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर है। और वह कहता है यहाँ पर बहुत सारे और भी आर्च डीमंस हैं और सोर्सरर्स हैं जो कि उससे पहले से सोर्सर सीख रहे हैं और मुझसे ज़्यादा पावरफुल नॉलेजेबल भी हैं। तो वह कहता है हाँ ये बात है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा वीक हो लेकिन फिर भी तुम उसको हमने सूट किया चूज किया क्योंकि तुम इसके लिए सूटेबल हो। तुम एक बच्चे थे तब से तुम एक सोर्सर के तौर पर एक आर्च सोर्सर डीमन को मार दिया था तुमने जो कि काफ़ी यदि अजीब है काफ़ी यदि अलग भी है। उसके जो मैजिक सर्कल को तुमने एक बार देखा और उसको दो बार से ड्रॉ कर लिया और सीख लिया और जो कि कोई आम सोर्सर नहीं था जिसको तुमने आसानी से ही मार दिया था। उस वजह से बाद से तुम एक नॉर्मल बंदे होने के बाद इस तरह से माना के फ्लो को समझ पाते हो और सोर्सर स्किल को समझ पाते हो जो कि सच में काफ़ी यूनिक है और जिस वजह से कोई भी तुमको यानी और भी सोर्सर हैं उनमें से कोई जो सोर्सर हैं तुम्हारी तरह कंपेयर नहीं कर सकते, ना एक सोर्सर तुमको मारने भी बचपन में कामयाब था और ना आगे कामयाब हो पाएगा। मैं क्या लगता है यदि मैं इतने ज़्यादा ही पावरफुल हूँ तो मैं क्यों ना तुम सभी कोई मार के यहाँ से हटाकर तुम्हारी सारी पावर टीएस को भी छीन सकता हूँ ना। वह सारे हंसते हुए कहते हैं उसका मजाक बनाते हुए। उनमें से एक ओल्ड बंदा दिख रहा होता है, वह कहता है तुम्हें पहले देखना चाहिए कि तुम कहाँ पर खड़े हो, उसके बाद तुम्हें ठीक से बोलना सीखना चाहिए। यदि तुम ऐसा कुछ करने की सोचती भी हो तो तुमसे जो भी तुम्हारे पास में है वह तुमसे सब कुछ छीन ले जाएगा। तो वह सोचने लगता है नाइफी के बारे में और कहता है कि वह उस तरह से उसको इतने खतरे में नहीं जाने दे सकता, एक आम लाइफ जी रही है, बस चाहता है एक आम लाइफ जिए ना कि इस तरह से उसकी जो ईविल रास्ते हैं उन पर चले, उतने खतरों से भरे रास्तों पर चले। यदि वह इसको एक्सेप्ट कर लेगा आर्च डीमन की पोजिशन को तो वह एक अलग ही रास्ते पर चला जाएगा जो कि काफ़ी खतरों से भरा होगा, लेकिन वह नहीं चाहता है कि नाइफी उसके खतरे भरे रास्ते पर जाए, वह ये डिजर्व नहीं करती है। तो आर्च डीमन होता है उसे पूछता आखिर उस पोजिशन के बारे में उसको क्या क्या एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो वह कहने लगता हाँ लेकिन उसके लिए उसकी एक शर्त है। तो आर्च डीमन कहता आखिर एक आर्च डीमन की पोजीशन से ज़्यादा क्या ही तुम्हारी और शर्त है। तो वह कहता है कि उसको 13 आर्च डीमन की सारी ब्लॉगिंग्स चाहिए। तो वह कहता ठीक है एक्सेप्टेड, ये कहकर वह उसकी जो हाथ पर आर्च डीमन की सील होती है उसके अंदर एब्जॉर्ब करा देता है और उसकी सारी चीज़ें भी दे दी जाती हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है नाइफी का जो कि खाना बना रही होती है और काफ़ी मन से बना रही होती है काफ़ी अच्छी तरह से, और जैसे ही वहाँ पर आता है जैगिन तो वह उसको खुश होकर ग्रीट करती है लेकिन वह देखकर शॉक रह जाती है कि थोड़ा अजीब लग रहा होता है। वह अपना हैंड दिखाती हुई कहता अब वह 13 आर्च डीमन उसकी पोजीशन उसे मिल चुकी है, इसीलिए वह उसके कॉलर को भी आज़ाद करा देता है खोलकर उसको। और इसे देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होती है और कुछ कहने से पहले ही वह कहने लगता है उसे कि अभी आर्च डीमन बन गया इसीलिए उसको उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल यूजलेस है, उसीलिए वह उसको अपने पहले से किक आउट कर रहा है। ये बात सुनकर तो वह कभी शॉक्ड हो जाती है, एक जगह बैठी होती है सोच रही होती है आखिर ये क्या, आखिर उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ, उसके मास्टर ने उसको निकाल दिया। और पहले इस तरफ जाने लगती है लेकिन तभी वह देखती है उसे लॉकेट कॉलर को जो उसके गर्दन में था और सोचने लगती है वह मास्टर जिसने उसे वादा किया था और कह रहा था वह उसके बिना नहीं रहेगा हमेशा उसको साथ रखेगा, लेकिन उसने उसको अपने घर से निकाल दिया। वह क्या कर सकती है, वह कैसी लाइफ दिए, वह मरना डिजर्व करती है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है जिसको वह ऊपर से उठा कर देखती है और कहती है कि भाई तो भाई लेडी पैलाडिन यानी लेडी नाइट है जो कि अटैक करने आई थी उसके मास्टर को ऊपर। वह उससे कहती है तो तुम यहाँ पर मुझे मारने आई हो ना। वह इतनी ज़्यादा शॉक्ड होती है अंदर से और वह कह रही होती तो मुझे मारना चाहती तो मार दो, मैं अपने मास्टर के बिना सच में जीना डिजर्व नहीं करती हूँ ना मैं जी पाऊँगी, इसलिए मुझे अभी के अभी ख़त्म कर दो, मैं अपने मास्टर के बिना नहीं जी पाऊँगी। इधर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर पीछे तरफ जा रही होती है वह गर्ल और वह केवल एक ही बात कह रही होती है कि मुझे मार दो। लेकिन वह कहती है आखिर तुम इस तरह से क्या मुझको एक साइको किलर समझ रही जो मैं हर किसी को मारती फिरूँगी, तो मुझे क्या समझ रही हो और किस तरह से देख रही हो। लेकिन बाकी सारे लोग होते हैं स्टेज पे जाते हुए उनकी कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं
और यहाँ पर जो भी लोग हैं लगभग सारे लोग ही नैफी को पहचानते हैं। नैफी यहाँ पर हर चीज़ें लेने मतलब चीज़ें लेने के लिए आती रहती है, इसलिए सारे लोग उसे जान चुके हैं बहुत अच्छे से लगभग सबको ही। मैं काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है उसकी बातें सुनकर, वह मानने के लिए उसे कह रही होती है लेकिन वैसा नहीं करने वाली होती, इसलिए उसे थोड़ा रुक कर काम होने के लिए कहती है। लेकिन उनके बीच में अचानक सी भाई बर्डगर्ल आ जाती है जो कि बर्डगर्ल से बिंग होते हैं, जिसने कि उससे कुछ क्लॉथ भी खरीदे थे। वह उससे कहती है अभी कभी उसे दूर रहने के लिए, सारे लोग उसे कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल भाई पहला डे नया चर्च से तो इसका मतलब है गलत फ़ायदा उठाएगी इसके, वह इस तरह से उसे कैसे मार सकती है, वह केवल सॉर्सर के साथ ही साथ रहती है इसीलिए। वह अभी पर कॉलैप्स होकर कहती है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे बिल्कुल हार्म नहीं किया है। तभी नैफी कहती है हाँ बिल्कुल उसने उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया है। तो बर्ड गर्ल भी कहती है कि सच में भाई ठीक है, तो वह काफ़ी देर रोती हुई कहती है सच में उसने बिल्कुल भी उसे नुकसान नहीं पहुँचाना उसे कुछ कहा है। इधर वे आकर एक जगह बैठ जाते हैं जहाँ पर कि वह कहती है आखिर अब बता दो प्रॉब्लम क्या है, तुम ऐसे क्यों ऐसे चिल्ला रही थी उसे मारने के लिए। तो वह कहने लगती है बर्ड गर्ल क्या सच में तुमने उसको नुकसान नहीं पहुंचा रही, तुम पूछ रही हो बिकॉज उसे शक है, तो बिकॉज तुम दोनों ही जान पहचान की थोड़ी लग रही थी कि दो एक दूसरे को तुम जानते हो। तो वह कहती है नैफी कहती है हाँ बिल्कुल हमारी लड़ाई हुई थी लेकिन उसने मुझे हर्ट करने की ट्राई नहीं की बल्कि उसका सबऑर्डिनेट नाइट था जिसने उसे हर्ट करने की ट्राई की, आखिर वह कैसा है अभी उसकी सिचुएशन ठीक तो है ना। तो वह सोचने लगती है यानी बंदा अभी इतना डर रहा है कि प्लांट से कि लगता है उसे कि प्लांट्स उसे खा जाएंगे। इधर कुछ खाना आता है तो नैफी बताती उसके पास में पे करने के लिए रुपए नहीं है। तो वर्ड गर्ल कहती चिंता मत करो वह उसके लिए पे करेगी, लेकिन उससे कहती नाइट से पैराडिन से कि तुम्हें खुद ही पे करना होगा, जिससे वह काफ़ी शॉक्ड होती है। वह एक बाइट लेती है और काफ़ी शॉक्ड होकर रोने लगती है कि ऐसा उसने अपने मास्टर के लिए भी खाना बनाया था, और बहुत जोर जोर से रोने लगती है। इसको देख रोती हुई देखकर वे दोनों ही जाती हैं उसको काम कराने की ट्राई करती हैं और उसे काम कराने लगती हैं, तभी उसको वह खाना भी खिलाती हैं। अब वह पूछती हैं आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, पैलाडिन कहती है सोर्सर्स होते हैं इतने अच्छे नहीं होते, काफ़ी ईविल होती हैं, वे गर्ल्स को किडनैप करके उनको सेक्रीफाइस करते हैं जिसके बाद वो पावरफुल खुद को बनाते हैं। लेकिन नैफी जैकिन को प्रोटेक्ट करती है और उसको डिफेंड करती है, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना भी ईविल कुछ काम करता है। तो बर्ड गर्ल पूछती है आखिर क्या हुआ, तो बताती जब वापस आए तो उसने बताया कि 13th आर्ट जनरल बन चुका है इसलिए उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। बर्ड गर्ल कहती है जो 13 जनरल्स हैं आर्च डीमंस हैं वही हैं जो कि इस पूरे टाउन है उसको लीड करते हैं, फिर कह सकते हैं रूल करते हैं। इधर बताती है सच में काफ़ी ज़्यादा ईविल है और जो कि काफ़ी सारी गर्ल्स को गिटेफ कर रहे हैं और उनको सेक्रीफाइस तौर पर यूज कर रहे हैं, पैलाडिन बताती है। और इसीलिए जो चर्च हैं उनके पास में 12 होली या फिर सीक्रेट स्वार्ड्स हैं, और लेकिन जो आज डीमंस है वह 13 है, इसीलिए वह थोड़े डिसएडवांटेज में उन्होंने प्लानिंग किया है। जो न्यू 13 जनरल है जो कि अभी न्यू बना है उसको मारने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं बिकॉज उसके पास में सारी जो पावर्स होंगी 13 जनरल की अभी नहीं होंगी, वह काफ़ी वीक होगा इसीलिए मौके का फ़ायदा वह उड़ा सकते हैं। लेकिन वह सोचने लगती है सच में आखिर यही वजह है क्या, तो फिर जिस वजह से जो उसके मास्टर उसने वहाँ से निकाल दिया इसलिए किसी खतरे में ना रहे। लेकिन वह कह रही होती है यानी पैलाडिन, लेकिन वह सच में काफ़ी ज़्यादा ही अलग है, कुछ लोग और हैं जो कि जैकिन का नाम यूज करके काफ़ी बुरे काम कर रहे हैं और उसके सेक्रीफाइस तौर पर काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स वगैरह को किडनैप कर रहे हैं जैकिन के नाम पर, जिसलिए सारे लोग हैं जैकिन को बुरा समझ रहे हैं। और सच में ये पैलाडिन है बस सच में जानती है और चाहती भी है कि जैकिन के नाम पर कोई बुरा कर रहा है, वही सब नहीं कर रहा है इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो नैफी कहती है कि जो जैकिन है वो कोई अब मतलब ईविल बंदा नहीं है, वह किसी भी गर्ल को या फिर किसी को अपनी सेक्रीफाइस के तौर पर यूज नहीं करता है, ना ही वह किसी को मारता को तो पावर उठाने के लिए, वह तो हमेशा ही अपने आप को बंद रखता है जिससे कि वह खुद को और पावरफुल बना सके और हमेशा ही सोर्सर्स की बुक्स पढ़ता रहता है। तभी चाकर भी कहती है यानी पैलाडिन कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है, जब वह उसे फाइट कर रही थी तब वह खुद को रोक रहा था बिकॉज वह एक गर्ल है इसीलिए उसके साथ वह ठीक से फाइट भी नहीं कर रहा था, और वह जब पहली बार उसे मिली थी तो उसे लगा था वह काफ़ी दिल लोनली है। ये बात सुनकर वह सोचने लगती है हाँ बात तो सही है, वह जब पहले उसके साथ में थी तो कितने ज़्यादा हम लोग खुश थे, इसीलिए वापस जाना चाहती है और उसके साथ में फिर से वह उन खुशियों को बांटना चाहती है। और कहती है वापस जा रही है बेशक उसके मास्टर अकेले हैं या फिर कह सकते हैं उसे छोड़ दिया तब भी। तो वे लोग कहते हैं क्या तुम सच में अकेली चली जाओगी, तो वह कहती है ऑफकोर्स उसे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज वह कितना भी पावरफुल हो लेकिन फिर भी इस तरह से और लोगों से इतने इजीली तो नहीं हारेगा, लेकिन जब भी हर्ट होगा तो अकेला ही होगा वहाँ पर, इसीलिए वह उसके साथ में साथ देना चाहती है हर एक उसकी किसी भी दुख में भी, और उसको प्रोटेक्ट करके रखने चाहती है, उसके हर एक दुख में उसके साथ रहना चाहती है। उसकी स्पीच सुनकर जो दोनों गर्ल्स होती हैं उनमें से पैलाडिन कहती है ठीक है मैं उसके साथ में चलती हूँ तुम्हें वहाँ तक ले आने के लिए, लेकिन उसकी बात सुनकर वह कहती है कि सच में तुम फिर से उसके मास्टर से फाइट करने वाली हो, तो वह कहती है अरे नहीं बेवकूफ मैं बस तुम्हें वहाँ तक छोड़ूंगी और मैं पता लगाना चाहती हूँ आखिर कौन है, कोई तो है जो कि जैकिन का नाम यूज कर रहा है और बहुत सारी गर्ल्स को किडनैप करके उनको सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर रहा है, और इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ आखिर कौन है जो कि जैकिन का नाम लेकर इस तरह से क्राइम्स कर रहा है। लेकिन अचानक से वहाँ पर तीनों गार्ड्स भी आ जाते हैं या फिर नाइट्स आ जाते हैं जहाँ पर वह नैफी को देखते हैं और काफ़ी डरने लगते हैं। तभी अचानक से वहाँ ब्लैक स्मोक फैलने लगती है और जो कि उन तीनों गर्ल्स को अपने लपेटे में लेने लगती है, और तभी वहाँ से जो
पैलाडिन होती है वह उस बर्ड गर्ल को वाली तरफ फेंक देती है और वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेकिन तेज उस आवाज़ अपने आप को क्लेम करती है वह जैकिन है, उन दोनों गर्ल्स को ले जा रहा है वह जिससे कि उसे सेक्रीफाइस के तौर पर यूज कर सके। लेकिन इधर दिखाया जाता है जैकिन का जो कि अपने सोच रहा होता है अभी भी नेफी के बारे में। लेकिन तभी दिखाया जाता है कुछ गार्ड्स होते हैं, नेट्स होते हैं, उनको ढेर कर दिया होता है उसने। और वह कहता है कि तुम सच में इतना ज़्यादा वीक हो कि उसके सामने उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तो बहम सर्कल्स हैं जो कि बेसिक मैजिक द्वारा नेफी ने क्रिएट किए थे बस प्रैक्टिस करने के लिए, और तुम उसमें आकर फंस गए, इतना वीक है। वो उसके बारे में सोचकर सैड हो रहा होता है लेकिन खुश होता है कि सच में वह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती है होगी और वह अपने किसी खतरे से दूर होगी, सब उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होंगे। लेकिन जैसे जाने की सोचता है तो वहाँ से एक नाइट पकड़ते हुए कहता है कि उसे चेस्टर को भी नुकसान ना पहुँचाए बिकलौती है जो कि सोचती है कि तुम बेगुनाह हो और तुम तुम्हारे बजाय कोई और किडनैपिंग कर रहा है। लेकिन अचानक से उसके ऊपर मेलोन आती है जो कि भाई वर्ड गर्ल, और वह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है नाइट बिकॉज उसके ऊपर वह लैंड की होती है। लेकिन तभी वह कहते आए तो ठीक है, अभी उनको ब्लो करने का टाइम आ गया। लेकिन वह कहती है तुम्हें पता है नेफी किडनैप हो गई है, भाई बस उनका शॉक रह जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा ही सोचने लगता है इसके बारे में गहराई से कि सच में यदि वह उसको बचाने के लिए जाएगा तो लोग पहचान लेंगे कि वो उसके साथ में है और उसके लिए खतरा होगा। लेकिन वो उसको इसे सोचते हुए देखकर कहती है तुम्हें पता है वह तुम्हारे पास वापस आ रही थी और वो उसको किडनैप कर लिया गया रास्ते में, वह तुम्हारे साथ में रहना चाहती फिर से। वह सोचने लगता है उसने उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट किया फिर भी उसके साथ आना चाहती है। वह कहता है तुम्हें पता है यहाँ पर जो सोर्सर जितने भी हैं सारे बहुत ईविल हैं और सेल्फिश हैं, उनमें से मैं भी हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं जो नेफी है वह उसकी गर्ल है यानी मेरी गर्ल है, इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के पूरे वर्ल्ड को भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ और इसीलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करने के जा रहा हूँ। फिर एक मैजिक सर्कल बना लेता है टेलीपोर्ट करने के लिए और पूछता है कि वह आना चाहेगी, तो वह कहती ऑफ कोर्स वह आना चाहेगी। लेकिन वे तीनों जो गार्ड्स होते हैं वह पहले कहने लगते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, प्लीज़ मुझे ले चलो अपने साथ में। लेकिन वह उनसे कहता अभी कि अभी दफा हो जाओ यहाँ से, और वहाँ से मैजिक सर्कल मतलब सर्कल द्वारा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर सीन चेंज होता है और एक केव में दिखाया जाता है जहाँ पर नेफी की आँखें खोलती हैं और बस देखती है कि उसको चेन द्वारा बांधा गया होता है। उसके पास जो पैलाडिन होती है चेस्टर पूछती है कि अब ठीक है, तो कहती है हाँ भाई ठीक है। लेकिन उसकी जो चेन होती है उसकी वजह से उसकी माना फ्लो ब्लॉक हो चुका होता है। लेकिन अचानक से वहाँ एक बंदा आता है जो कोई और नहीं बल्कि बार्ब होता है, और वह कहता है तो हम फिर मिल गए। वह कहती है आखिर ये क्या तुम तो भाई हो ना, मैंने सोचा तुम जैकिन के फ्रेंड हो। वह कहता है सोर्सर का कोई भी फ्रेंड नहीं होता है, और तुम्हें पता है वह वही है मतलब सोर्सर जैकिन जिसने कि उसके जिस सोर्सर को मारा था वह उसके टीचर थे इसीलिए, और वह अभी अपने सारे पैसे खर्च कर चुका है तुम्हें खरीदने के लिए और यहाँ तक उसका पैलेस के पैसे और सब कुछ उसका होने वाला है। वह तुम्हें सेक्रीफाइस करके ज़्यादा पावरफुल होकर 13 डीमन आर्च डीमन बनने वाला है। उसकी बात सुनकर वह कह दे कोई फायदा नहीं तुम्हारी ये सारी चीज़ें हैं, फिर इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बेकार जाने वाली हैं बिकॉज आर्च डीमन 13 आर्च डीमन पहले से जैकिन को बना दिया गया है। तो वह कहता कि सच में उसका जो सपना था अब तक आर्च डीमन बनने का वह उसके हाथों से छीन लिया गया है, वो भी जैकिन द्वारा। वह उसको ले आने लगता है और कहता है वह उसे सेक्रीफाइस करके दोनों को ही सेक्रीफाइस करके खुद पावरफुल हो जाएगा जिसके बाद वह जैकिन को भी मार देगा और फिर सारी चीज़ें उसकी होने वाली हैं। उसको ले जाने लगता है खींच कर, लेकिन वह फाइट करने लगती है वापस और कहती है वह जैकिन को बिलोंग करती है, वह उसकी गर्ल है ना कि कोई और लो लाइक तुम्हारी तरह उसको टच भी कर सकती है। वह गुस्से में आकर थोड़ा उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन भाई ब्लास्ट होता है और केव में एक गेट बन जाता है जहाँ पर कि जैकिन आता है और जिसको देखकर बर्ब पूछता आखिर उसे कैसे पता कि भाई किडनैपिंग के पीछे है। तो बताता है उसकी स्टार्टिंग सबकी तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी जब उसने पहली बार वो बंदा देखा था उस तरह का सड़ा हुआ फेस वाला जिसने कि उस गर्ल को हरेस करने की ट्राई की, बिकॉज इतना ज़्यादा सुपर वीक था वह बंदा कि वह उसके बैरियर में घुस भी नहीं सकता था। उसे पता चला मतलब सोचने लगा कोई और ही इसके पीछे था, लेकिन तुम अकेले हो जो कि उसकी बैरियर आस पास जाते रहते हो तोड़कर भी जा सकते हो, और तुम टेलीपोर्टेशन में या फिर कह सकते हैं मिनी पॉकेट की मैजिक में काफ़ी अच्छी हो जिसके तुम ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी अच्छे हो और यहाँ तक कि तुम ईविल स्किल्स को भी काफ़ी अच्छे से जानते हो सेक्रीफाइस टाइप, इसीलिए इसके बाद में यदि मैं तुम पर शक न करूँ तो सच में ये मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँगा। मैं कहने लगता है तो तुमने उसको टी पर क्यों बुलाया था और टी सर्व क्यों की थी तब पता होने के बाद भी? तो मैं कहता बस ऐसे ही मैं जानना चाहता था कि अगर तुम्हारा प्लान क्या है, तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो जिसके बारे में जानने के लिए मैंने इस अब तक तुम्हारे साथ नाटक किया फिर साथ में रहा हूँ, और अब तुमने मेरी गर्ल को हट करने की कोशिश की है तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह देखने लगता है नेफी की तरफ, वह काफ़ी ब्लश कर रही होती है और तभी वह उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं आसानी जो डॉच करके स्पीड से जाकर अटैक कर देता है जिससे कि वह यानी हट हो जाता है, उसके हाथ दोनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं। वह काफ़ी चिल्लाने लगता है और तभी वह स्पीड से जाता है नेफी के पास में और उसको आज़ाद करा देता है और कहता है कि अब ठीक है उसको हर्ट तो नहीं हो रहा है। वह कह उसके पास जाकर हक करती हूँ, कहती है हाँ वह बहुत ज़्यादा हर्ट है बाहर से नहीं बल्कि अंदर से, वह
इस बात को एक्सेप्ट कर सकती है कि उसकी मास्टर जो कि उसे नहीं चाहते हैं और उसको वहाँ से भगाना चाहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसकी मास्टर इतना ज़्यादा पेन में है, इतना हर्ट है, लेकिन फिर भी अकेले हैं और वह उसको साथ नहीं दे सकती। इस बात से वे ज़्यादा अंदर से हर्ट है कि उसकी वह कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। वे इस बात सुनकर काफ़ी इमोशनल होता है, लेकिन खुद को रोक रहा होता है उसको हक करने से, लेकिन आकर उसे हक कर लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, अब तुम सेफ हो। वो उसको बचाने के लिए आ गया है। तभी दिखाया था पीछे स्नेक अटैक करने वाला होता है, बारू जिसे देखकर नेफी काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है, लेकिन वह कहता है चिंता मत करो, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अचानक से उसकी जो मैजिक सर्कल होता है सेटर हो जाता है और धुंध में बदल जाता है। वह फिर से एक और मैजिक ट्राई करता है जो फिर से सेटर हो जाता है। इस तरह से कई सारी स्पेल यूज करता है, सारी सेटर होती जाती हैं। वह काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है आखिर ये कैसे, उसकी मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा है। ये बात से नेफी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और पूछती है आखिर मास्टर ये क्या है। तो बताता है मैंने तुम्हें पहले बताया था ना ये और बोलो अल्टीमेट सॉर्सरर स्पेल के बारे में, ये वही है। वह बताता है इस मैजिक का यूज करके आइडेंटिफिकेशन मैजिक के तौर पर यूज करते हैं, जिससे कि वह जो भी बंदा यूज करता है उस पर उसने यूज किया या फिर पर्प यूज किया, जैसे कोई स्पेल यूज करता है तो वो उसकी स्पेल को नलीफाई कर देता है, जिसकी वजह से किसी स्पेल को यूज नहीं कर पा रहा है। तो बर्फ पूछता है कि ये स्पेल उसी बंदे की जिसको तुमने मार दिया था, उसी सॉर्सर की है, लेक्सी है। तो वह कहने लगता अरे नहीं, यदि उसकी पास ये स्किल होती तो क्या सच में वह मेरे हाथों से मारा जाता। चलो मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ भाई। एक उसने मेरे को सेक्रीफाइस करने के लिए एक जगह कैद कर दिया था, लेकिन उसने जो स्पेल यूज़ की थी थंडर की, उसको उसने अपने मतलब जैक ने अपने हाथ पर ड्रॉ कर लिया अपने ब्लड से। बिकॉज वह ट्राई करना चाहता था अपनी लाइफ के एंड तक कि शायद वह वर्क करे। जैसे वह उस पर दोबारा अटैक करने के लिए आता है तो भागने लगता है, जैसे वह अटैक करने को होता है स्पेल से तो वह भी अपनी स्पेल से यूज कर देता है। दोगुने स्पेल टकराते हैं, स्पेल कैंसिल हो जाती है, लेकिन एक थंडर का अटैक उसी सॉर्सर के ऊपर आकर गिरता है जिससे मारा जाता है। वैसे व्यू प्रूफ था ना भाई, क्या लगता तो आखिर ये एक लकी मान सकते हैं। लेकिन तभी बहुत सारी स्पेल यूज करता है लेकिन सारी कैंसिल हो जाती हैं। भाई क्या था आखिर ये कैसे हो रहा है, बिकॉज इनमें काफ़ी सारी स्पेल्स ऐसी हैं जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते होगे, उसने नहीं नई नई सीखी हैं और इनमें से काफ़ी सारी स्पेल्स के बारे में तो उसने सुना भी नहीं होगा। आखिर ये कैसे वह कैंसिल कर रहा है इन सभी स्पेल को इतने जल्दी, उसका माइंड इतने जल्दी उसको अपलोड कैसे कर लेता है या फिर उसे कैसे रीड कर लेता है। वह कहने लगता है ये सब काफ़ी ज़्यादा ईजी है उसके लिए, वह पहले इसको सीखता है धीरे धीरे करके, उसके बाद में उसको मैनिपुलेट करता, सच में इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन उसके लिए सब नहीं, अपने बारे में बताता फास्ट से ही आजकल उसके लिए ये इतने ज़्यादा आसान क्यों है। वह बच्चा था इन 10 साल का, तब से ही बहुत सारी बुक्स को वह पढ़ने लगा, अपनी क्लोज रीडिंग करने लगा। उसके फ्रेंड भी उसके मिलने के लिए नहीं आते थे, इसलिए उसकी हाई प्रैक्टिस हो रही थी इसके लिए, लेकिन उस बीच में केवल बर्फ था जो कि उसे मिलने आया करता था। लेकिन फिर भी वो उसके साथ में काफ़ी सारे प्रैक्टिस करता था और आखिरकार उसने उसको फ्रेंड के तौर पर एक एक्सेप्ट कर लिया और वे लोग ड्रिंक करते थे साथ में, एंजॉय करके साथ में रहने लगे थे। वे कहने लगता हाँ वह उस मौका ढूंढ रहा था किस तरह से वह जैकिन को मार सके। तो वह कहने लगता है ठीक है, लेकिन अभी उसकी जो पावर्स होती हैं यानी एक मल्टीपल टाइप का एक मैजिक सर्कल बनाने लगता है, जो मैजिक की जैकिन ने बर्फ की मैजिक से ही क्रिएट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर लिया था उसने। वे कहने लगता है आखिर ये टेस्ट कैसा लगने वाला है, वैसे भी तुम्हें पता है ना 13 आर्च डीमन बनने के बाद मुझे एक नया टाइटल मिला है, जिसके बाद मुझे टाइटल मिला है सॉर्सरर स्लेयर का। यानी जब वह एक आर्च डीमन बना तो उसकी टाइटल मिला है जो कि उसको बता रहा होता है बर्फ के लिए, लेकिन वह अटैक यूज करता है फुली पावर के साथ में उन्हें पंच से। जैसे ही वह हिट करती है तो बार वहीं दूर जाकर ढेर हो जाता है और वह कहता है क्या आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल है, यदि वह खुद आर्च डीमन होता तब भी उसको नहीं रोक पाता, यहाँ तक कि वह उसका सामना भी नहीं कर पाता और सच में वह काफ़ी पावरफुल है। वह उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है उसे माफ़ कर दे उसने जो किया उसके लिए, वह अपनी सारी नॉलेज उसके साथ में शेयर कर देगा जिससे वह उसको जीवित छोड़ दे तो, और यहाँ से वह अपना कभी चेहरा भी नहीं दिखाएगा आगे। लेकिन तभी अपनी पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं अच्छी अच्छी मेमोरीज को उसका याद दिलाने लगता है, जिससे कि वह उसे छोड़ दे इमोशनल होकर, लेकिन उन सब का जैकिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इस्तेमाल करो तो उस पर पंच मार देता जो कि ओवर पावर्ड होता है, जिससे हमें धुंध धुंध हो जाती है, पूरी केप क्रैश होने लगती है। लेकिन जब धुंध साफ होती है पता चलता है उसने वह अटैक थोड़ा सा पास में ही किया था पार्व के, और उससे वह मरा नहीं था। वह कहने लगता है आप चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं मानने वाला हूँ, बिकॉज इतने जल्दी तो मानने से कोई फ़ायदा भी नहीं है और तुम सच में काफ़ी अच्छी हो बांस के टेस्ट में, इसीलिए तुम्हें बचा कर रखना, यानी कहें तो तुम बांस को अच्छी अच्छी बांस को लाने में काफ़ी अच्छी हो, इसीलिए तुम उसके लिए काफ़ी अच्छी हो बांस पिलाने के लिए भी। वह कहने लगता आखिर वह उसको छोड़ना क्यों चाहता, बिकॉज बच गए एक बार तो दोबारा वह उसको जरूर मौका ढूंढेगा मारने के लिए और ख़ुद को पावरफुल करके मारने के लिए आएगा। वह कहने लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यदि तुम मारना चाहना चाहते हो तो ठीक है, तुम इतने ज़्यादा बीको अभी, उसके लिए तुम्हें बहुत पावरफुल होना होगा, अभी से तुम एक आर्च डीमन हो, तुम खुद को पावरफुल बनाओ। वह कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई यूजफुल नहीं, यूजलेस हूँ, फिर भी तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो। वह कहने लगता है जैसा कि मैंने कहा ना तुम एक आर्च डीमन हो और तुम खुद को पावरफुल बनाओ और मेरे पास आओ लड़ने के लिए। वह कहता है और यदि तुम मुझको हरा सकते हो तो ठीक हो और नहीं हरा पाए तो उसके बाद तुम मुझे बाइन
देने वाले हो यानी कहें तो बान की पार्टी देने वाले हो हर बार हारने के बाद। इस बात से जो नैन्फी होती है वह काफ़ी अधिक खुश होती है और यहाँ पर कि चेस्टर को भी मेलबर्न ले आई होती है। अचानक से सर्कल होता है, मैजिक सर्कल चमकने लगता है और एक्टिवेट हो जाता है। तो चेकिन कहता है क्या सच में अभी तुम हारने के बाद भी ये सब करना चाहती हो? तो वह कहता नहीं भाई, सब कुछ नहीं कर रहा है, उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तभी देखता है कि जिससे उसने पंच मारती उस वजह से ही सर्कल डैमेज होने की वजह से अब दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है। वह उन तभी गर्ल से कहता है अभी कि अभी यहाँ से एस्केप करने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारी लाइट चमकने लगती है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा और आसपास का होता है जो एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वह पूछता है बर्फ से आखिर वह क्या करने की प्लानिंग कर रहा था यहाँ पर। तो बताता है वह यहाँ पर एक असली डीमन को समन करने जा रहा था। वह कहने लगता है कि असली डीमन्स, अचानक से वह स्मोक में से एक डीमन्स टाइप बंदा जनरेट होने लगता है जो कि काफ़ी यदि बड़ा और काफ़ी पावरफुल होता है। बताया जाता है जो डीमन्स थे वह पहले अर्थ पर रहा करते थे लेकिन उनके बारे में किसी नहीं सुना है वह दूसरे जगह जाने के बाद, लेकिन जो मैजिक सर्कल वे यूज करते हैं अभी हम यूज करते हैं मैजिक के तौर पर, चर्च ने उन्हें वेरीफाई किया था या चर्च यूज करती थी जो कि उन्हीं जो डीमन्स थे उनके ही वे मैजिक पावर्स हैं। लेकिन वह देखता उस डीमन के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा और काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन वह कहता है ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा ही वीक अभी भी, बिकॉज यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर इस सर्कल में कोई भी सेक्रीफाइस मैजिक यूज नहीं किया, फिर कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया गया है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा वीक स्टेज में है और फुल्ली यहाँ पर नहीं आ पाया। लेकिन अभी उसकी स्टेज देखी जाए तो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि उसने इतने ज़्यादा पावरफुल किसी आर्च डीमन को भी नहीं देखा है। और लेकिन सोचने लगता है आखिर वह कितना भी आगे चल के पावरफुल हो जाए लेकिन इस डीमन का सामना तो वह कभी नहीं कर पाएगा, इतने ज़्यादा पावरफुल है, आर्च डीमन के साथ में सच में कुछ भी नहीं है, इतना पावरफुल अपोनेंट उसने अब तक नहीं देखा। उसके सामने जो है उसके जो टेंटिकल्स होते हैं अचानक से हाथ में बदलने लगते हैं और इस तरह हाथ बढ़ने लगता है। तो वह एकदम शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि सच में अब वह मरने वाला है, सारे लोग शॉक्ड होते हैं। अचानक से वह घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है एस एस किंग, ये देखकर काफ़ी शॉक्ड रह जाता है कि वह डीमन है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठा रहा है। लेकिन अचानक उसके हाथ का जो मार्क चमकने लगता है, वह कहता है ये सब ये डीमन मार्क की वजह से हो रहा है उसके हाथ पर है। वह उसे ऑर्डर देते हुए कहता है हे तुम यहाँ से अभी कोई वापस चले जाओ, ये बल्ड तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, इस बल्ड के तुम क्रिएचर नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ वापस चले जाना चाहिए। बस चुप कर बस शांत होता है और अचानक से वहाँ से वह वापस चला जाता है उसी सर्कल के अंदर, जिसके बाद वो अपने आप को काम करता है और सर्कल होता है वहाँ से गायब होने लगता है मैजिक सर्कल। लेकिन अचानक उसके गायब होते ही पूरी जगह में क्रैक्स आने लगे होते हैं और सब जो केव होती है डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वहाँ से वह लेसी को उठा लेता है, लेफी को उठा लेता है और वह कहता उन सभी से भी उसकी लिए पकड़ने के लिए और बार को भी खुद को पकड़ने के लिए कहता है और सभी गर्ल्स को एक साथ में लेकर बाहर आ गया होता है। लेकिन बाहर के साथ देखते हैं तो भाई जो चेस्टर के अंडरगार्ड्स होते हैं वे आ गए होते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है वह बस अपने लीडर को यहाँ बचाने के लिए आए थे, ना कि उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पर आम लोग हैं उनको वह सेफ करने के लिए आए थे, ये मत समझना कि वे डीमन के साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, यानी एक सॉर्सर के साथ में कोऑपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बस और आम जो लोग यहाँ पर फंस रहे हैं उनको सेव करने आए हैं। मैं कहने लगता है कि अभी तुम्हारी बकवास पूरी हो गई है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। मैं कहते हैं ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मेलडन आती है और वह कहती है थैंक्स उसे बचाने के लिए, और वह कहती है तुम्हारे जो पीछे गर्ल है उससे थोड़ी बात करना प्यार से। इधर वे लोग वहाँ से चली जाती है तो बचा होता है बार बार उससे पूछता कि अभी भी और फाइट करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो फाइट कर सके। और वह देख चुका होता है कि पहले से उसने एक डीमन तक को टैम कर लिया है और उसके पास मैजिक भी नहीं है, इसलिए वहाँ से वह चला जाता है हार मानकर। अब दो लोग यहाँ बचे होते हैं तो दोनों ही काफ़ी यदि ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं और पता नहीं उन्हें क्या बात करनी है, इस बात से वह शॉक्ड होते हैं। अचानक से लेफी उनसे कहने लगती है कि वह उसके साथ में हमेशा ही रहना चाहती है, उसको अकेला ना छोड़े, वह उसके साथ सर्वेंट बन के ही रहना चाहती है। वह काफ़ी शॉक्ड होता है कि उसने उसको इतना बुला भरा कहा फिर भी। तभी वह घुटनों पर बैठ जाता है और अपने लव को कन्विंस करना चाहता है और कहता है कि आज से वह उसका मास्टर नहीं है, वह उसकी कोई सर्वेंट नहीं है और ना उसे मास्टर बुलाने की कोई ज़रूरत है, इसीलिए आज से हम लोगों का जो रिश्ता है। और तभी खुद शॉक्ड हो जाता है और रुक जाता है, अपने लव को कन्विंस नहीं कर पाता और अपने सर को झुका लेता है। सोचने लगता है आखिर क्या अब अपने बर्ड्स को भी नहीं ला सकता है अपने जवाब पर, और वह काफ़ी शॉक्ड हुए एकदम चिल्लाते हुए उठता है और उसको पकड़ते हुए कहता है आज से वो उसकी वूमन है और कोई भी उसको टच नहीं कर सकता, पूरी लाइफ वो उसके साथ में रहने वाली है मरते दम तक। और वह फिर अचानक से खुद ही बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड होता है और क्रिटिसाइज कर रहा होता है खुद के लिए कि सच में अपने लव को कन्वेस नहीं कर पाए वो उसके सामने, कितनी ज़्यादा बुरी बात है। इधर वह काफ़ी खुश होती है कि कोई तो है जिसने उसको अपनाया है और अपने साथ रखने के लिए कहा है। और तभी अपने पास से वही कॉलर निकालती है, स्लेव कॉलर, और कहती है कि वह उसे ये पहना दे, ये उसकी याद दिलाता है कि जब से वह उसके साथ में आई है और उसके साथ में रह रही है ये उसकी यादें हैं। वह उसको पहना देता है और सोचने लगता है ये एक वेडिंग या फिर कह सकते हैं एंगेजमेंट रिंग से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। इधर दिखाया जाता है वे लोग खड़े होते हैं और दिन निकल आया होता है, जहाँ पर वह पूछती है अगर हम लोग मतलब मैं तो मास्टर नहीं बुला सकती हूँ तो हम लोगों का रिश्ता क्या है। वह काफ़ी यदि ऑकवर्ड सिचुएशन में होता है और ब्लस करते हुए सोच रहा होता है अगर अब इसको कोई तो समझाओ आके।
मेरा रिश्ता क्या है उसके साथ में। इधर दिखाया जाए तो बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो सॉर्सरर जैकिन है सच में इतना बुरा नहीं है जैसा कि डेमोन लोग समझते हैं। वे इतना बुरा भी नहीं है, वे एक आम बंदे की तरह ही है। और ये सॉर्सरर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि इतनी कम एज में वह बंदा आज डीमन बन चुका है। लोग ज़्यादा जेलस नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा होता है। इधर दिखाया था चर्च में जहाँ पर पहला डिनो बाकी सब लोगों को बुलाया गया होता है और जहाँ पर चेस्टर होती है अपनी रिपोर्ट देती है कार्डिनल की और बताती है कि जो जैकिन है उसको फ्रेम किया गया था, उसने उसके पूरे मिशन पर मतलब पूरा साथ उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, उसे पता चला है कि उसको फ्रेम किया गया किसी और के नाम पर, वह ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन वह कहते हैं तुम ये गलत कर रही हो और एक डीमन के यानी सॉर्सर के साथ में मिल रही हो, इसी जैसे तुमको अपनी होली नाइट की पोजीशन है वो वापस करनी होगी, यानी कहे तो उसकी स्वार्ड वापस देनी होगी। लेकिन तभी उसके अंडरलिंग्स होती हैं, वह कहते हैं गार्नियल से कि आखिर उसमें उसकी यानी चेस्टर कोई भी गलती नहीं है, आपको एक बार उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो उसको रोक उन दोनों को लोगों को रोकती हुई कहती है सड़ आप तुम लोग चुप रहो। सोचने लगती है सॉर्सरर जैकिन के बारे में कि सच में इतना बुरा भी नहीं है और उसके पास जो पोजीशन है होली नाइट के होने के बाद भी वह सच में कुछ भी नहीं कर सकती है, वह एक सर्वेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस स्वार्ड वापस कर देती है अपनी और अपनी पोजीशन को छोड़ देती है। उसको इस तरह देखकर जो कार्डिनल होते हैं वह कहते हैं तुम चिंता मत करो, आगे चल के तुम्हारी जो पोजीशन है बस सेफ है, आगे चल के मैं पूरी ट्राई करूंगा तुम्हारी इस पोजीशन तुम्हारे वापस मिल सके और तुम फिर से एक होली नाइट बन सको। लेकिन उसकी बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होती है, अगर उसका मतलब क्या है। तो बंदा उसके पास जाता कार्डिनल और कहता है कि तुम एक होली नाइट थी लेकिन अभी तुम्हारे ऊपर जो कीचड़ उछाला गया फिर कह सकते हैं तुम्हारे जो आरोप लगा है उसको वह ट्राई करेगा जल्द से जल्द पूरी तरह से साफ करने का और जिसके बाद उसको फिर से होली नाइट की पोजीशन वापस मिल जाए और वह अपनी स्वार्ड को फिर से ले सकती है। उसके पास स्वार्ड है, उसने तुम्हें चूज किया है और तुम्हारा काम है सॉर्सर को खत्म करना। और एक सीक्रेट स्वार्ड यूजर राफायल वह भी यहाँ पर आ रहा है। उसकी बात सुनकर तो काफ़ी स्वग्ध जाती है। राफायल वह बंदा है जो कि कट्टर है खास तौर से इस बात के लिए सॉर्सर को मारने के लिए बहुत ज़्यादा रूटलेस है और वह ये साबित करने आया है कि जो चेस्टर है वह एक देशद्रोही कह सकती है या फिर चर्च को उसने धोखा दिया है। इधर दिखाया जाता है हमें जैकिन का जो कि एक जगह बुक पढ़ रहा होता है, अपने मार्क के बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन अचानक से पीछे दरवाज़ा खोलता है, जैकिन देख लेता है लेकिन वह बिल्कुल चुप से बिना आवाज़ किए ही छुप कर आ रही होती है। जैकिन कहता है चलो उसे सरप्राइज करना है सरप्राइज करने दो, लेकिन वह छोटी पड़ जाती है उसकी आंखों को हाथों से बंद करने में ही, बिकॉज वह अभी सीढ़ी के ऊपर एक पैर रखकर खड़ा होता है। वह सोच रही होती है आखिर अभी उसे क्या कहना चाहिए। वे लोग दोनों काफ़ी एक और सिचुएशन में होते हैं लेकिन वह खुद भी शॉक्ड होती है आखिर वह इस तरह से उसको सरप्राइज करने की क्यों ट्राई कर रही थी, उसे भी नहीं पता होता है। लेकिन वो उसको तरफ देखता है और सोचता है सच में वह कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है, इसीलिए वो उस बात के लिए छोड़ देता अभी के लिए। वह उसे कहती है अभी डिनर रेडी हो गया है चलो। बस खाना तैयार कर दिया होता है तो वह भी आकर देखता है जिसमें काफ़ी तरह की डिशेज इस बार तैयार की हुई होती हैं। वह भी खाना स्टार्ट करता है, जब भी वह एक डिश को ट्राई करता है तो उसके सच में खुश हो जाता है वैसी डिश खाकर, बिकॉज उसको पहले खाना अच्छा खाने को मिलता नहीं था और सच में अभी का खाना जो होता है काफ़ी ओपी होता है। तभी वहाँ पर देखता है बाहर की साइड उसका बैरियर तोड़ के कोई अंदर आ गया होता है तो वह उस पर अपनी वहीं बैठे बैठे अटैक करने की ट्राई करता है लेकिन अपने बैरियर से अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो कि एक लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर होता है जो कि ह्यूमन टाइप दिख रहा होता है। लेकिन वह अपनी बहुत बड़ी स्पेल से यूज करके उसके दरवाजे को तोड़ते हुए पैलेस के अंदर आ जाता है उसके डाइनिंग रूम में। वह कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग भी है कि तुम मेरे यहाँ तक अंदर तक घुस आए, कुछ तो बात है, जो कि लिजार्ड टाइप मॉन्स्टर होता है। वह वहीं पर रुक कर उससे कहता है कि वो उस पर उसकी पोजीशन को छीनने वाला है उसको मारने के बाद एक आर्च डीमन की। वह कहता है अभी उसके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा खाना खाने के बाद बात करते हैं, रुक जाओ। वह रुकने लगता है लेकिन अचानक से वह एकदम अपना अटैक तैयार करता है और अटैक कर देता है, लेकिन वह बिना एफर्ट लिए ऐसे ही उसके अटैक को रोक लेता है। तो वह अपने मुँह से एक लेजर बीम अटैक करने की ट्राई करता है लेकिन तभी वह उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है और उसके हेलमेट होता है निकल जाता है, जिसे देखकर जो नेफी होती है तुरंत स्पीड से भागती हुई जाती है। वह सोचने लगता है कि ये क्या चक्कर है, अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे पूरे आर्मर के अंदर एक छोटी बच्ची होती है, जिसे देखकर वह शॉक्ड होता है क्या उसने अभी अभी एक बच्ची को नॉकआउट कर दिया, जो कि सच में उसके लिए काफ़ी शॉकिंग होता है। लेकिन तभी नेफी कहती है चिंता मत करो वह अभी बिल्कुल ही ठीक है। वह थोड़ी चैन की सांस लेता है कि चलो कम से कम वह ठीक तो है, पर एक बच्ची को उसने नॉकआउट कर दिया। इधर जब उसको गेस्ट रूम में सुला दिया होता है तो जैसे ही वह सीधी उठती है तो सबसे पहले वह जैकिंग की एक पंच मारती है जिससे कि वो उसे नॉकआउट कर सके, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो उसको रोक लेता है उसकी छोटी सी फिस्ट को। और वह कहता है आखिर वह यहाँ पर क्या कर रही थी, तो बताती है वह अंश डीमन बन चुका है, एक आर्च डीमन बन चुका है, उसको पोजीशन मिल चुकी है इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है और अब उसे फाइट करके उसकी पोजीशन छीनना चाहती थी, बिकॉज उसकी मैजिक स्पेल कैंसिलेशन की काफ़ी तारीफ है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है उसका नाम इसी वजह से। इसलिए उसने प्लानिंग की थी कि मैजिक की वह स्पेल यूज नहीं करेगी जिसकी वजह से आसानी से उसके साथ फाइट कर पाएगी अपनी ब्रूट यानी डायरेक्ट ऐसी
हेल्थ स्ट्रेंथ के साथ में। वह कहता था, सच में तुम्हारा जो अटैक था पाम का काफ़ी अच्छा था, यहाँ तक कि वह लेजर जिसका शायद मैं सामना नहीं कर पाया था बिना स्पेल यूज की है। सच में तुमने काफ़ी ओपी, मेरे ख्याल से तुम एक ड्रैगन हो, है ना? हाँ, तुम एक ड्रैगन हो यानी ड्रैगन चाइल्ड हो, और तुम यहाँ पर इस तरह से आर्मर पहन के आई मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, गजब है। वह सोचती है, ओ मैं तो पूरी तरह से अब रिवील हो चुकी उसकी पूरी आइडेंटिटी। लेकिन जब वह बिल्कुल बहुत ज़्यादा शांत बैठी हुई थी, सोचने लगता अपने पास्ट के बारे में ही कि पहले वह भी तो ऐसा ही था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, उसको फूट चुराते टाइम वह पकड़ा जाता था, उसको पनिशमेंट मिलती थी, और अब वह भी सेम ऐसे ही ट्राई कर रही है। आर्च डीमन जो कि उसको सबसे ज़्यादा कमज़ोर लगा, इसलिए उस पर अटैक करने की ट्राई की उसने कमज़ोर देख के। वह उसको कहता है, उसको इस बात की पनिशमेंट तो मिलेगी जब उसने एक आर्च डीमन के घर में उसने की हिम्मत की अटैक करने की हिम्मत की है। वह कहता है, तुम्हें पूरे एक हफ्ते तक नफी की हेल्प करनी होगी उसके पूरे गाँव, मतलब काम में, घर का जो भी काम उसमें हेल्प करनी होगी। उसकी पनिशमेंट सुनकर तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन नेफी उसको रोकने की ट्राई करती है, एक बच्ची उसको ये थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन वह कहता कोई फर्क नहीं पड़ता। बेलफर्ट कहती है, क्या वह उसको खाने नहीं जा रहा है, यानी वह एक डीमन है। लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। वह कहती है कि ह्यूमन से उसने सुना है कि एक डीमन की, मतलब ड्रैगन की बॉडी को मीट खाने के बाद ह्यूमन सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तब नेफी भी इसके बारे में पूछती है, क्या ये सच है? तो वह कहता है, हाँ ये सच है। कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी ऐसे बताया जाता है कि डीमन जो ड्रैगन्स की बॉडी होती है मीट उसको खाने से लोगों के अंदर काफ़ी पावरफुल होती है और भी पावरफुल होते जाते हैं। लेकिन वह एक बच्ची ड्रैगन है जिसको केवल उसका टेस्ट ही बिगाड़ देगी, उसके मुंह का टेस्ट बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। वह कहता है, ठीक है, अभी उसको जो पनिशमेंट मिली है उसको हेल्प मतलब पूरी करनी पड़ेगी। इधर सोचने लगता है, पास्ट के बारे में जब वह पकड़ा जाता था तो बाकी बड़े लोग थे, बच्चे थे, पाकर उसको थोड़ा खाना शेयर करते थे उसको पिटने के बाद में। इधर उसको सूप ला कर देती है, लेकिन वह सोच रही होती है मेलफोर्ड नहीं, वह उसको नहीं लेगा और फेंकने जा रही होती है। लेकिन तभी जैकिन कहता है, मतलब जैकिन कहता है, हे अगर तुमने उसकी फूड को फेंक दिया तो सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी फूड को वेस्ट करे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अभी के अभी। और वैसे ही मुझे नेफी का फूड बनाया हुआ फेंकना है, वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसके बाद से डर जाती है और खाना स्टार्ट करती है जो उसे बहुत पसंद आता है, तो वह खाती रहती है। वह उसे चला जाता है कि उसे काम पर लगते रहना, पूरे एक हफ्ते तक काम करना। लेकिन वह जाते टाइम पर कहती है कि इस सच में तुम विश्वास है कि मुझे इस तरह अकेले उसके साथ छोड़कर जाना, मैं उसको हार्म नहीं कर सकती हूँ। तो वह कहता है कि तुम्हें पहली बार तो उसको छूने के बारे में सोचनी भी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें पता है तुम कहाँ हैं तुम बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, और ऊपर से वैसे भी वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कर चले जाते हैं। इधर वह देख रहा होता है छुपकर कि सच में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसको थोड़ा शक होता है। लेकिन वह काम करवा रही होती है, दोनों काम कर रहे होते हैं, और मेलफोर्ड कह रही होती है कि सच में जो डीमन किंग है या मतलब आर्च डीमन है जैकिन, मैं सच में काफ़ी डरावना, तो लेकिन नेफी कहती नहीं मैं इतना डरावना भी नहीं है, मैं काफ़ी यदि अच्छा है और उसको काफ़ी काइंडली भी है। लेकिन तुम आखिर पावरफुल बन के बाद तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा क्या प्लान है? तो वह कहने लगती है, कुछ नहीं खास, वह उसके पास में कोई घर भी नहीं है जहाँ पर कि वह जा सके, इसलिए अभी तो वहीं पर रहने की प्लानिंग है, मतलब जब तक तब तक यहीं पर है। वह सोचने लगता है सच में उसके लिए सच में काफ़ी ज़्यादा ही सैड बात है कि उसका कोई घर भी नहीं है। सेम उसकी तरह सिचुएशन उसे महसूस हो रही होती है। इस तरह से दो दिन बीत जाती हैं और बेलो अपने काम में लगे होते हैं, और आर्च डीमन यानी कहें तो जैकिन में अपने रिसर्च में लगा होता है फॉर्मल आर्च डीमन के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तभी वहाँ पर आती है बेलफर और उसको इन्वाइट करती है खाने के लिए। जब वह खाने के लिए बैठे होते हैं तो माफ़ी मांगती है कि उसके वजह से खाना थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन वो उसको कच में काफ़ी क्यूट लग रही होती है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और तभी वह नेफी से कहता है कि अभी वह जाने वाला है फॉर्मल आर्च डीमन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए वह उसको अपने साथ में लेकर जाने वाला है। वह काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि उसको अपने साथ में लेकर जाएगी तो उसकी वह मैजिक पावर्स वगैरह हैं और जो स्पेल्स वह देखने वाला है उन सभी को वह अभी चुरा सकती है फॉर्मल डीमन के, मतलब वह पैलेस पर जाने वाला है जो कि 13 आर्च डीमन पहले था उसके। तो वह कहने लगता है उसके फ़र्क नहीं पड़ता, ये तुम ऐसा कर भी सकती तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक बच्ची हो मेरे सामने और कुछ नहीं, तुम एक ड्रैगन हो या फिर तुम एक सॉर्सर हो या फिर तुम कितनी स्पेल चुरा लो या फिर कुछ कर लो, लेकिन तुम एक बच्ची के अलावा और कुछ नहीं हो, और यदि तुम चुरा सकती हो तो तुम चुरा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह काफ़ी यदि इमोशनल हो जाती कि सच में उसने उसे कुछ नहीं कहा, रोने लगती है तो उसका सर को पैट करने लगता और कहता है, हे चुप 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 जाओ, बिल्कुल चुप जाओ, और जो खाना है उसको खा लो। मैं उसको खाना खाने देता है और बात कर रहा होता है उसको अपने साथ ले जाने के बारे में और कहता है, पहली बात तो यदि तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगी, कोई भी एक आर्च डीमन के अंडरलिंग को हर करने की सोच भी नहीं सकता, तो उसके लिए तैयार हो जाती है। इधर वह वहाँ पर सो जाती है और वहाँ पर आसपास में भी लोग बैठे होते हैं। वह उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, पापा। इधर वह जो नेफ्यू होती है सब देखकर स्वर्ग जाती है और उसे कहती है, ये हमारी एक बच्ची की तरह है। लेकिन तभी वह अचानक से थोड़ी देर शांत रहता है, लेकिन जब उसे महसूस होता है उसने क्या कहा तो एकदम स्वागत रह जाता है और ब्लश करने लगता है। और तभी नेफी को महसूस होता है, वह ब्लश करने लगती है और कुछ एस्क्यूज ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उसके हाथ को पकड़ता और वह कहता है कि हाँ, हम लोग एक फैमिली की तरह आई हैं और हम आगे चल के एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। इसी साथ में ये एपिसोड 7 पर एंड होता है, नेक्स्ट 8 एपिसोड आती है हम तुरंत ही अपलोड कर देंगे। तो इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना। मिलती नेक्स्ट एपिसोड, तब गुड बाय, सायोनारा।